जर्मोटीन के बाद जो दूसरी नेक्स्ट स्टेज है उसे पैकेटीन कहते हैं। ये पैकेटीन देखा ना, तो पैकेटीन अगर आप यहाँ देखते हैं तो पहले आप ये एक फिगर बना लें, फिर आप समझें। आपको पहले क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, मान लीजिए ये क्रोमोसोम था जो आपने पहले कहा कि ये पैटर्नल है, तो आपने एक दूसरा क्रोमोसोम बनाया जिसे आपने पैटर्नल कहा, ये ऐसे कुछ स्थिति थी और ये दोनों नजदीक थे। नजदीक लाने का काम सेरेब्रोनियल कॉर्टेक्स से किया था, ये पिछले स्टेज में हुआ था। अब अगला स्टेज आप देखें, अगर आप देखें तो इसका जो ये क्रोमोसोम है पैटर्नल मदर का जो क्रोमोसोम है इसके ये देखिए जो क्रोमेटिड्स है वो स्प्लिट कर जाते हैं, ये ऐसे स्प्लिट कर जाते हैं इस तरह से। अब अगर ये पी है और ये क्यू है तो इन्हें हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। एक ही क्रोमोसोम की दो आर्म्स को हम लोग कौन से क्रोमेटिड्स कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम की वो दोनों आर्म है मतलब क्रोमेटिड्स। इसी तरह से अगर आप दूसरा देखें तो ए भी क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाता है, और इस तरह से आप देखिए इसके सिर्फ क्रोमेटिड्स स्प्लिट होते हैं, सेंट्रम या स्प्लिटिंग नहीं होती है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये आर है और ये एस है, ये भी जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स है, अब ये स्प्लिट हो जाता है। पैकेटिन में जो सबसे पहली स्टेज होती है कि आप कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ, पहला स्टेज स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड्स। सबसे पहला जो काम होता है जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो ये जब स्प्लिटिंग हो जाती है तो आप ध्यान से देखें, ये मदर का क्रोमोसोम है, माँ का है, ये पिता का है, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे नहीं है, ये काफी नजदीक है, इन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं क्योंकि इनकी शेप और साइज बराबर है। अब अगले स्टेप में अगर आप देखें तो होता यह है कि ये ऐसे देखें, आप ऐसे देखें, ये इसकी एक आर्म है, ये आर्म है, यहाँ पर एक आर्म है, ये इस तरह से कुछ हो जाता है। अब आप दूसरा देखें, यहाँ ऐसे देखें, ये आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये ऐसे क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो अगर आप ये देखें तो वो ये क्या रहा है, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि ये आप फादर का क्रोमोसोम का है और ये आप मदर के क्रोमोसोम का है, तो इनके बीच में पेयरिंग शुरू हो जाती है या काम का एक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस मॉड्यूल को हम लोग रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं। तो पैकेटिंग में जो अगली स्टेज होती है वो होता है क्रॉसिंग ओवर, ये जो आपने लिखा है चाहे इसे आप क्रॉसिंग ओवर कहें और चाहे आप इसे रिकॉम्बिनेशन कहें, जो भी आपको पसंद है, चाहे आप क्रॉसिंग ओवर कहें और चाहे आप रिकॉम्बिनेशन कहें, चाहे यहां भी लिख सकते हैं, इसकी जो मेन इवेंट है उसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं या इसे हम लोग रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसका मतलब समझें तो इसका मतलब हुआ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जेनेटिक मटेरियल्स इन बिटवीन It will be non-sister chromatids of homologous chromosome. ये इसकी definition है, मतलब exchange of chromosomes हो रहा है, मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है, जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है, किसकी किसके बीच में। अगर आप इसका इसका देखेंगे तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसका इसका देखेंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, लेकिन जब इनके आर्म के बीच में होगा इससे रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल कहेंगे। तो एक चीज और लिख सकते हैं, ये बड़ी स्टेप पे इस घटना में होती है, एक प्रक्रिया होती है जब आप लिखे रहे थे एक बार लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो इस तरह से आप देखें दोनों जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नजदीक आते हैं, उनकी आर्म के बीच में एक्सचेंज होता है। यहाँ पर जो ये तोड़फोड़ हो रही है वो इस पेथर से हो रही है, जो एक्सचेंज हो रहा है पहले हो रहा है ब्रेकेज, इसकी आर्म इसकी आर्म से ब्रेक कर रही है एंड रीयूनियन हो रही है, फिर से जुड़ जा रहा है। ब्रेकेज एंड रीयूनियन का यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है,
अगर आप देखें यहाँ जो ब्रेकेज होता है, ब्रेकेज होता है एक एंजाइम है जिसका नाम इंडोन्यूक्लिएज है, वो इन दोनों आर्म्स को ब्रेक करता है, और दूसरा एंजाइम है लाइगेज जो इनको जोड़ने का काम करता है। आप ये याद नहीं, लाइगेज ना लिखे, इसे एरिकॉमेज लिखा है, ये जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से अगर आप रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है, ये जो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए हैं इसका रिजल्ट क्या आता है हम बाद में देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस बना लें, ये ऐसे हम एक क्रोमोसोम बनाए और उसमें हम दिखाएं कि कैसे यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, इसी कारण वेरिएशन आता है। आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्ट इसका सीक्वेंस हम आपसे फाइनली डिस्कस करेंगे, तो आपको इसलिए इसका सीक्वेंस अच्छे से आना चाहिए, किसी भी स्थिति में कोई भी चीज गलत करेंगे तो नुकसान हो जाएगा और तब समस्या हो जाएगी। कुछ ऐसे आपको इस समय क्रोमोसोम सेल के अंदर दिखाई पड़ेगी, ये देखिए। तो जहां जहां पर ये टच किए हैं उसे हम लोग रिकॉम्बिनेशन नोड्स कहते हैं, एस क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। इस समय कौन सी घटना हो रही है, इस मियोसिस में इस घटना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इस तरह से पूरा क्रोमोसोम्स नजदीक आते हैं, उनके बीच में जीन्स का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद जो इसका फ्यूचर होता है, कुछ ऐसे आपको क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर आप देख लें ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको, इस तरह से ये। अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें मदर वाला क्रोमोसोम का कुछ पार्ट फादर वाले जगह है, ये किसका है, ये माँ वाला है। तो माँ वाले में देखिए पिता का भी ये सेट आ गया है, इसी तरह से अगर आप फादर वाले में देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये इस तरह से, लेकिन ये सेपरेट नहीं होते हैं, इनके सेपरेट के लिए अलग प्रक्रिया है। ये ऐसे आप कर दीजिए और इनको भी आपस में जुड़ा रहने दीजिए, ये एक्सचेंज सेपरेट होने के बाद आपको इसे दिखाई पड़ेगा, मतलब ये नए एक तरह के नए कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। पैकेटिंग में ये मेन स्टेप होता है, इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आपको सबसे ज्यादा याद करना है पैकेटिंग में एक बड़ी घटना होती है क्रॉसिंग ओवर, दूसरी बड़ी घटना होती है रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। तीसरे तक देखिए पैकेटिंग के बाद जो अगले स्टेप है उस स्टेप का नाम डिप्लोटीन है, यहाँ लिख लीजिए, ये स्टेप है जिसे हम लोग डिप्लोटीन कहते हैं, डिप्लोटीन कहते हैं, ये प्रोफेज का अगला फेज है। तो इस डिप्लोटीन में क्या होता है, अगर आप ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे बने रहने दीजिए, इस तरह से ऐसे बने रहने दीजिए, और एक सबसे पहले लिखिए डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जितने क्रोमोसोम को नजदीक लाया था वो इस फेज में डिजॉल्व हो जाता है, ये देखिए ध्यान रखना है। पूरे मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और ये कभी महीने में खत्म होता है और कभी साल में खत्म होता है। डिप्लोटिंग सबसे बड़ा फेज होता है, पूरे मियोसिस का सबसे बड़ा फेज है, एनसीईआरटी में ये दोनों बात लिखी गई है। अगर आप देखें तो ह्यूमन में जो प्राइमरी ओसाइट होती है इसी फेज में लगभग 13 साल तक रेस्ट रहती है, 13 साल तक, मतलब बेबी जब पैदा होता है, गर्ल्स पैदा होती हैं तो उन्हें इसी फेज में प्राइमरी ओसाइट अरेस्ट होती है। लंबा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसका असर आप देखिए क्या होता है, जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है तो ये सेपरेट जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेपरेट होना शुरू कर देते हैं, दूर होना चला शुरू कर देते हैं, पहले नजदीक आए उनमें जीन्स का एक्सचेंज हुआ और फिर वो दूर होना शुरू कर दिए। तो हर जगह तो दूर हो जाते हैं लेकिन एक जगह वो अटैच रहते हैं, ये देखिए ऐसे ये अटैच रहते हैं, जहां पर अटैच रहते हैं उसे ये सेब स्ट्रक्चर को हम लोग कियाजमेटा कहते हैं। ये है देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे अटैच हो जाते हैं, जहां पर अटैच होते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग कियाजमेटा कहते हैं। कियाजमेटा आपको इसी फेज में दिखाई पड़ेगा और ये कियाजमेटा हमेशा यक्ष सेब होता है, ये देखिए ऐसे आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। इस समय सेल के अंदर क्रोमोसोम आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे इस फेज में, ये देखिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यहाँ पर एक घटना लिखी है एनसीईआरटी, तो आप लिखना पड़ेगा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट एनसीईआरटी मिलाइएगा सेम एनसीईआरटी के लिए लिख रहा हूं एक्सेप्ट यस सेप्ट कियास मीटा ये देखिए एक्सेप्ट यस सेप्ट कियास मीटा ये आप इसका फिगर ऐसे बना लें ये ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में जितने सेट आप क्रोमोसोम्स आप लेके चल रहे हैं उनको लगातार आप दिखाते रहेंगे ताकि आपको कभी डाउट ना हो किसी तरह से किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए थोड़ी लंबी प्रक्रिया है किसी बहुत ही कम लोगों की बात समझ में आती है मैंने पहले बता दिया था नहीं तो फिर बाद में आप कहेंगे सर आप झूठ बोलते हैं हम झूठ बोलना नहीं चाहते क्योंकि हमें झूठ बोलना अभी तक अच्छा नहीं लगा इसीलिए हम झूठ नहीं बोलते हैं देखिए कितना खूबसूरत लंबी सी प्रक्रिया है ये देखिए ऐसे क्रोमोसोम्स आपको दिखाई पड़ेंगे तो देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पर डिजॉल्व हो जाते हैं क्रोमोसोम्स दूर होना शुरू कर देते हैं लेकिन जिस जगह पर टच रहते हैं उससे एक्सेप्ट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं एक्सेप्ट स्ट्रक्चर है स्टार्ट मतलब शुरू हो रहा है मतलब एक्सेप्ट स्ट्रक्चर प्लाज्मेटा कहते हैं यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट मतलब ये हुआ यहाँ पर लगभग सेपरेशन की स्थिति आ जाती है ये देखिए टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ये भी इस फेज की एक घटना है जो आपको अच्छे से सीखना है ये देखिए ऐसे अरेंज कर लीजिए इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आइए इसका लास्ट फेज देखते हैं इसका लास्ट फेज जो है उसको कहते हैं हम लोग बेटा प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट जो फेज है उसे हम लोग डायग्नोसिस देखें डायग्नोसिस देखिए इवेंट्स क्या हो रहे हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं सर यहाँ पर इस डायग्नोसिस में सबसे पहला आप कमेंट लिख लें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है मतलब आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आपसे डिसअपीयरेंस पूछे तो मियासिस के डिसअपीयर हो जाती है मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ये खत्म हो जाती है ये देखिए न्यूक्लियोलस भी यहाँ डिसअपीयर हो जाता है जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है यहाँ पे जो पूछा जाता है आपसे आपको ये लिखना है कि टर्मिनलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है टर्मिनलाइजेशन माने वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं तो ये ध्यान रखना है ये मेन इवेंट है जो आपसे डायग्नोसिस में पूछी जाती है और लास्ट में लिख दीजिए ट्रांजिशन स्टेज टू मेटाफेज फर्स्ट इसके बाद जो फेज आएगा उसे हम लोग ट्रांजिशन टू मेटाफेज फर्स्ट इसका मतलब ये हुआ कि सेल अब मेटाफेज फर्स्ट में इंटर करने जा रही है मेटाफेज फर्स्ट में इंटर कर रहा है तो आपको इससे एक्चुअली सही बात है यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें बढ़ाना ही नहीं चाहिए हम लोग सीधे काम की बात करते हैं इससे आपको सेल के अंदर क्रोमोसोम ऐसे दिखाई पड़ेंगे इस तरह से जिनका क्रॉसिंग ओवर हुआ है ये देखिए ऐसे आपको सेल के अंदर क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ेगा ऐसे और इन क्रोमोसोम्स के बगल में जो दूसरा जिसका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो भी क्रोमोसोम्स आपको कुछ दूर पहले प्रॉपर दिखाई पड़ेंगे इस तरह से मतलब ये क्रोमोसोम्स पूरी तरह सेपरेट हो गए हैं हर जगह पर आपको सेल के अंदर ऐसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स पूरी तरह से सेपरेट दिखाई पड़ेंगे इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है अब इनका टर्मिनलाइजेशन हो गया है ये सेपरेट कर गए हैं सेपरेट करने के कारण ही इनमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल डिसअपीयर हो गई है अब इस तरह से आपको सेल के अंदर ये सेल दिखाई पड़ेगी ऐसे मतलब आपको ये कुछ ऐसी स्थिति सेल के अंदर दिखाई पड़ेगी आपको थोड़ा सा चौक का ध्यान रखना है मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम में आपको लगनी पड़ रही है इसके बाद जो अगला स्टेज आता है सेल डिवीजन का वो आता है मेटाफेज फर्स्ट अब सरल हो गई यहां से प्रक्रिया सरल हो जाती है मेटाफेज फर्स्ट आ जाता है ये देखिए मेटाफेज फर्स्ट आ जाता है यहां पर आपको इस तरफ एक सेंट्रियोल दिखाना है इस तरफ दिखाना है ऐसे जैसा आपने पहले किया है अब आपको एक काम करना है ये इसका इक्वेटर है इसके इक्वेटोरियल प्लेट पे ऐसे ही आपको क्रोमोसोम्स ले आके अरेंज कर देने हैं ये कौन से क्रोमोसोम्स हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं
जिनकी एक आर्म में क्रॉसिंग ओवर हुआ है जबकि दूसरी आर्म में नहीं हुआ है। आपने तीन सेट लिया है तो आप तीन ही सेट लेके चले ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये देखिए इस तरह से आपको क्रोमोसोम्स अब दिखाई पड़ेंगे क्योंकि इनका क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो बीच बीच में ऐसे यहाँ पर दिखा गए कि ये वो लोकेशन है जहाँ पर एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का। अब आप इसके बगल में वाला क्रोमोसोम दिखाइए जिसमें एक्सचेंज हुआ है ऐसे यहाँ पर। अब ये सारे क्रोमोसोम्स इस तरह से आपको सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रॉपर दिखाई पड़ेंगे। सिंपल सी बात में बहुत सारी बात है, जैसे क्रिकेट टीम खड़ी होती है तो 12-12 खिलाड़ी दो लाइन में खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही 23-23 क्रोमोसोम को 23 सेट आपको सेल के अंदर ऐसे दिखाई पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे 12-12 खिलाड़ियों की दो टीम खड़ी होती है ऐसे ही क्रोमोसोम दिखाई पड़ेगा जिनमें स्पिंडल फाइबर्स ऐसे अटैच किए रहेंगे। ये देखिए ऐसे स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच रहेंगे। आपको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्यों कहा गया, क्योंकि मैटरनल और फैटरनल दोनों क्रोमोसोम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एलाइनेट इक्वाटोरियल प्लेट, एलाइनेट इक्वाटोरियल प्लेट। जो इक्वाटोरियल प्लेट है उस पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन कर जाएंगे। जब आप माइटोसिस पढ़ते हैं तो वहां पर होमोलॉगस शब्द नहीं लिखते हैं, वहां पर क्रोमोसोम्स लिखते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर जो मेटाफेस प्लेट है अगर आप जब माइटोसिस पढ़ते हैं तो उस माइटोसिस में आपको सिंगल क्रोमोसोम का एक सेट दिखाई पड़ता है, यहाँ पर माइटोसिस प्लेट की संख्या दो होती है। 23 क्रोमोसोम का 23 क्रोमोसोम का ये प्लेट होता है, 23 क्रोमोसोम का ये प्लेट होता है, ऐसे ही क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। और लिख सकते हैं काइनेटोकोर अटैच टू स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर अटैच टू स्पिंडल फाइबर। ऑलरेडी आपने माइटोसिस से पढ़ रखा है कि स्पिंडल फाइबर तीन तरह होते हैं, एक जो काइनेटोकोर से अटैच है उन्हें काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं, जो काइनेटोकोर से नहीं अटैच उन्हें नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो इंटर क्रोमोसोमल होते हैं। फिर आप देखिए ये नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, सेल के अंदर आपको ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट दिखाई देगा। मेटाफेज फर्स्ट के बाद अगला फेज है उसे एनाफेज फर्स्ट कहा जाता है। ये देखिए यहाँ सेंट्रियोल है, ये देखिए यहाँ सेंट्रियोल है, ऐसे सेंट्रियोल हो जाता है। यहाँ पर आप लिखिए सर ये एनाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट है, लिख लीजिए एनाफेज फर्स्ट है। फट से आपने नोट कर लिया, परिवर्तन देखिए क्या परिवर्तन है। एनाफेज फर्स्ट में ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऐसे ही इक्वाटोरियल प्लेट से दूर चले जाते हैं, इनका सेपरेशन हो जाता है। मतलब जैसे टीम में शुरू शुरू में जब मूवी क्रिकेट शुरू होता है तो टीम के प्लेयर साथ साथ होते हैं, जोड़े में खड़े होते हैं, राष्ट्रगान गाया जाता है दोनों देशों का, फिर दोनों टीमें अलग हो जाती है। सेम स्थिति यहाँ पर भी होती है, दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऐसे यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। फिर आपको इस तरह भी बनाना है, ऐसे ऐसे दिखा दीजिए कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अब सेपरेट हो गए। ध्यान रखना है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किस फेज में सेपरेट होते हैं, तो आपको बताना है एनाफेज फर्स्ट में। किसी भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होता है। आप ऐसे नोट कर दें, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बना दें ताकि अच्छा लगे, क्योंकि आप अच्छा बनने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, वैसे इसको भी अच्छा कर दीजिए, थोड़ा सुंदर लगे, अच्छा लगे, लोग देखेंगे तो इसकी शादी हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि आपने सुना, मैंने सुन लिया, क्या सुन लिया, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन सुन लिया। तो अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिखिए, सबसे मेन पॉइंट जो इस फेज में होती है वो लिखिए सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं उनका सेपरेशन शुरू हो गया। यहाँ किसी भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ये मेन हेडिंग है, चाहे यहाँ सेपरेशन लिखे हो चाहे सेग्रीगेशन लिखे। यहाँ पर 23 क्रोमोसोम के जो दोनों सेट हैं वो अलग हो जाते हैं, ये 23 क्रोमोसोम का सेट है, ये 23 क्रोमोसोम का सेट है,
और यहाँ पर आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए एनोफेज के बाद अगला जो फेज आता है फेज फर्स्ट के बाद, उस फेज का नाम होता है टेलोफेज फर्स्ट। ये देखिए लिख दीजिए यहाँ पर, ये फेज है जिसे हम लोग टेलोफेज फर्स्ट कहते हैं, टेलोफेज फर्स्ट कहते हैं। इस फेज में आप देखें इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये सेंट्रियोल की तरफ आ जाता है, ये इस तरह से आपको एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा। आपको लिखना होगा कैसे लिखेंगे, डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, डी कंडेंसेशन ऑफ डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल का डी कंडेंसेशन हो जाता है। आप समझे फेस क्रोमोसोम यहां पर है, फेस क्रोमोसोम यहां पर है, लेकिन अगर आप डीएनए देखें ये यहां बराबर 23 है, यहाँ एन बराबर 23 है, लेकिन इनके अगर आप डीएनए देखें तो यहाँ पर डीएनए 2C है, यहाँ पर भी डीएनए 2C है। तो इस सेल में जो डीएनए था क्रोमोसोम तो इसमें 46 थे, लेकिन दोनों का जो डीएनए था इस सेल में ये 4C था। इस तरह से देखिए क्रोमोसोम का डिफरेंशिएशन हो जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस फिर से तरीय बियन हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। अब इसका डिवीजन हो जाता है टेलोफेज फर्स्ट के बाद, अगला जो फेज है उस फेज का नाम साइटोकाइनेसिस है। आप यहां लिख लीजिए साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ नहीं पढ़ना है। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट माने सेल का डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और इस एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आपको फिगर ड्रा करना है तो आप इसे फिगर बना लें, एक सेल ये बनती है। ये जो सेल्स हैं ये इनका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर सेंट्रियोल पड़ा हुआ है, यहाँ पर सेंट्रियोल पड़ा हुआ है, इस तरह से ये अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं जैसे दिखा दीजिए। ये जो सेल्स हैं इन्हें हम लोग, इनमें क्रोमोसोम संख्या एन बराबर 23 है, यहाँ भी क्रोमोसोम संख्या एन बराबर 23 है, लेकिन डीएनए में जो है यहाँ पर डीएनए 2C है, यहाँ पर भी डीएनए 2C है। अगर आप मियोसिस देख रहे हैं, अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे तो ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ओजेनेसिस देखेंगे तो सेकेंडरी ओसाइट्स है। तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, क्योंकि इनमें डीएनए का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए अब ये जो है मियोसिस सेकेंडरी हो गया।